Next are what are the limitations of orgel energy level diagram. Number one, it consider only a weak field, यानी कि ये strong field को consider ही नहीं करता. Second thing is कि इसमें क्या है, it consider only spin allowed transition. So best way में ये कोशिश करता है जैसे हमने की थी 3F to 3P. So जो orgel energy level diagram है ये उन टर्म से ज्यादा, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट जहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी टोटली डिफरेंट है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, उनको कंसिडर ही नहीं करता. तो दीज आर द टू लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम. फर्स्ट लिमिटेशन इज कि ये सिर्फ वीक फील्ड को कंसिडर करता है, स्ट्रांग फील्ड को कंसिडर नहीं करता. एंड सेकेंड इज कि ये सिर्फ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, बहुत रेयर केसेस में ये स्पिन फॉरबिडन को, जैसे ये 3F से 3P तक, उसके ऊपर भी जो टर्म है 1G 1D 1S, उनको कंसिडर नहीं करता. सो वी कैन से इट कंसिडर ओनली स्पिन अलाउड ट्रांजिशन रेदर देन स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन.